लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके पास इतना फासला तय करके, मगर आपसे इतना भी ना हुआ कि उठकर हमें गले लगा ले। सन 1911 हुकूमत बरतानिया की जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम हिंदुस्तान की रदौली, साबका राजधानी फैजाबाद मौजूदा राजधानी लखनऊ के दरमियान आबाद है। एक छोटा सा कस्बा इसकी आबादी में ज्यादातर जागीरदार, जमींदार और ताल्लुकदार शामिल हैं। ये चौधरी सिराजुल हक की हवेली है, जो खानदानी जमींदार हैं। मन्नतों मुरादों के बाद चौधरी सिराजुल हक के यहाँ लड़का पैदा हुआ। कई औलादें पहले जाय हो चुकी थी, लिहाजा इस लड़के के विलादत पर खुशी के शादियाने बजने लगे। महल सराय में मुबारकबादियां फिर से गाए जाने लगी। नवाब जौक हसन इनके चचा ने अपने लख्त जिगर का नाम इसरारुल हक रख दिया। आज वो दिन है कि सोजासे जमाना है निसार, फुरकत दिल के लिए खुल्द से आई है बहार। महकी महकी है
फिजा नूर उतर आया है। चश्मे बदूर हवेली में कमर आया। फजले हक का जो विरासत में समर आया है। बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है। जलवा हुस्न की क्या आन है अल्लाह हो गनी। शान अल्लाह की क्या शान है अल्लाह हो गनी। अब शरीफों की औलाद का यही मुकद्दर है, क्यों ना हो। माशाल्लाह अब लड़के के बाप बन गए हैं। डाकिया। और साहब से हमारा इनाम तो दिलवा देते। इसे भी पढ़ा लिखा कर क्रिस्तान बनाना। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में हमारी तकरीरी हो गई है। लीजिए एक अच्छे भले घराने का चश्म चिराग सरकारी मुलाजमत की नजर हो गया। हम तो दुआ करते हैं कि जहां भी रहो खुशहाल रहो आबाद रहो, मगर एक बात कहे बगैर नहीं रहूंगा कि अपने औलाद को अपने नक्शे कदम पे मत चलाना, अंग्रेजी मत पढ़ाना, नौकरी की तख्ती गले में मत लगाना। यूं भी चंद दिनों की हुकूमत है अंग्रेज बहादुर की। बस तुर्की ने जरा फरहरी ली कि सारी अकड़ फूंक हो जाएगी। अच्छा अब चलते हैं, खुदा हाफिज। फिटन तैयार है हुजूर। बेगम घड़ी के साथ साथ रुमाल भी भूल गए। आप भी ना, ये लीजिए। जगन का इम्तिहान कब खत्म हो रहा है? बस एक हफ्ते में। आप एक काम कीजिएगा, आप एक हफ्ते बाद फौरन हमें लखनऊ बुला लीजिएगा। आप वहाँ अकेले रहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमने जगन के दाखिले का इंतजाम लखनऊ में कर दिया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रमेश जी, अगले हफ्ते रदौली से बच्चे सब लखनऊ आ रहे हैं, घर में तमाम जरूरत की चीजों का इंतजाम कर देना। जी चलो। बड़े बड़े बटन जैसी आंखें हैं, फिर भी साइकिल नजर नहीं आई तुम्हें। इतनी चोट लगी है मेरी साइकिल को, ये भी नहीं पूछा, ऊपर से रो रो कर मुझे डराती हो। मेरे पापा को आपकी साइकिल ने मार ही डाला। बेचारी को अपना मैं गोद में ले सकती हूँ पर नहीं घर ले जा सकती हूँ। कौन कौन बब्बू, झूठ बोलती हो तुम। बड़े बड़े बटन जैसी आंखें, फिर भी मेरी बब्बू नजर नहीं आई जो नाली में गिर कर मर गए।
मेरे बाबू को मार डाला। अरे नाजू, ये मेरे भैया हैं। कौन है ये पागल लड़की? ये मेरी सहेली है, यही पड़ोस में रहती है। नाजिया चलो अंदर आ जाओ। मुँह खोलो। आ शाबाश। अम्मा ये पड़ोसन कौन है? पड़ोस में इस्लामुद्दीन रहते हैं, इनकी एक पारचून की दुकान है। नाजो मरहुमा जकिया की बेटी है। ये परचून मर्चेंट क्या नाजो के अब्बा नहीं है? नहीं, असल में नाजो के अब्बा ने नाजो की अम्मा को तलाक दे दी थी, उसके बाद इस्लामुद्दीन ने नाजो की अम्मा से शादी की थी। नाजो के अब्बा अलीगढ़ में रहते हैं। बस हो गया। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, मुस्तकबिल में इनकी सरपरस्ती आप ही को करनी है। अब आपको बुर्दबारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आगे चलकर आपको इंजीनियर बनना है और इसके लिए पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खेल कूद भी अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? ठीक है, जाइए जाइए और जाकर पढ़िए। चलिए। आज भी दरवाजा बंद है? वो दरवाजा तो 4-5 दिनों से बंद है, लेकिन जगन भैया हमें तो ये भी नहीं मालूम कि इस्लामुद्दीन चाचा क्यों दुकान बंद करके गए, कहाँ गए नाजो को लेकर? पता नहीं। अरे तुम लोग वहीं खड़े खड़े पेट भर लोगे क्या? चलो अंदर आओ खाना खाने। हाँ अरे आखिर वे क्यों ले गए अपने साथ नाजो को? उन्हें जहाँ जाना था चले जाते। क्या करते तुम नाजो का? मारता छोटी पकड़ कर। और क्या करता? क्यों पूछते हो तुम उसे बार बार? क्यों याद करते हो तुम उसे? बस यूं ही कभी कभी याद आ जाती है। अच्छा ग्लास दो। बहुत गहरा मुताला है आपका। आज आपने सर का जवाब बहुत सही तरीके से दिया। वैसे ये पीरियड खाली है, चलिए कहीं सुकून से बैठेंगे। अरे भाई नदीम साहब, उम्मीद नहीं थी आप इस वक्त यहाँ मौजूद होंगे। वादा किया था फानी साहब से आज कलाम सुनाने का, वही कोशिश कर रहा हूँ। इसरार साहब, आप तो फानी साहब के पड़ोस में हैं। जी आप भी आइए, आज शाम नशिस्त रहेगी। जी जरूर आएंगे हम। बिल्कुल आइए। चलो दो, मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है, मैंने कहा मुझे पढ़ना मुझे है। पढ़ना है। अम्मा, तुम दोनों इसी तरह से झगड़ा करती रहोगी या कुछ काम धाम भी करोगी? चलो अम्मा, एक बार अंसार भैया को बाजार से आ जाने दीजिए, उसके बाद बताती हूँ आपका हाथ कामों में। आ गए। ये लो सब्जियाँ, मैं जरा पार्टी ऑफिस से होके आता हूँ। चलो दो। अरे ये तो हवाई घोड़े की तरह निकल भी गए। तू मुझे दो। तू ना, बस करो ये सब। दो बस करो, अंदर चलो। ये लो, अब्बू आ गए। जाओ अब्बू के लिए शरबत लेके आओ। जी अम्मा। शर्फू से कह देना। देना। बड़ी जल्दी आ गए आप। हाँ प्रिंसिपल से हमने बात कर ली थी, पुरानी पहचान निकल आई उनसे हमारी। अच्छा, जगन नहीं आया आपके साथ? नहीं, वो कॉलेज ही में है। प्रिंसिपल बड़ी तारीफ कर रहे थे असरार की पढ़ाई। अच्छा, आखिर बेटा किसका है? हमें यकीन है कि असरार इंजीनियर बनेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे।
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं नवाब हसन जौक को। दीवाने मशहूर थे मगर गजब के शायर थे। जी ये हमारे चचा मोहतरम थे। चलिए ये इंकशाफ हुआ, अब आप इसी खुशी के मौके पर एक अच्छी सी गजल सुना दीजिए। कत्ल करके ये मस्तियाँ इनकी, कत्ल करके ये मस्तियाँ इनकी, खूने दिल भी शराब हो ना था। क्या ख्याल है फानी साहब, इसरार साहब के कलाम में मुस्तकबिल के कामयाब तरीन शायर की झलक नुमाया है ना? इसमें कोई शक नहीं, अगर इसरार की पहली कोशिश है तो काबिले अतात है। मगर मियां अगर इस शेर को ऐसा कहें कि हिजरे कैफ इस तराब ना पूछ, हिजरे कैफ इस तराब ना पूछ, खूने दिल भी शराब होना था। इनके जलवों में घिर गया आखिर जर्रे को आफताब होना था, जर्रे को आफताब होना था। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब कह रहे हैं बरखुरदार, बहुत खूब। तुम्हारा तरन्नुम ही तुम्हारा तराना है और तुम्हारे कलाम की शोखी, ताजगी और रोमानियत, वल्लाह तुम अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। जी जो हुक्म। और तुम अपना तखल्लुस शहीद बदल डालो, मजाज लिखा करो, मजाज। इसरार साहब, आप शायर हैं या नहीं हैं, मगर आपके शेर समझाने का सलीका बिल्कुल अलग है। क्यों नहीं भाई, आखिर नवाब हसन जौक के भतीजे हैं। जब इतने बड़े शायर के भतीजे हैं तो इनके अंदर भी शायरी के कुछ न कुछ जरासीम तो होंगे ही। जरासीम होंगे तो बीमारी भी लगी जाएगी हुजूर। असरार साहब, खादे में एक हफ्तावार अखबार चलाता है, शायद आपने देखा हो, हफ्तावार सुबह नौ। अगर इजाजत हो तो आपका कलाम शामिल अशाद कर लूं। क्यों नहीं, जो भी मुनासिब होगा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अरे जनाब, आप जरूर इसरार साहब के कलाम को शाये करें, भला क्यों इनकार करेंगे इसरार साहब। कैसी होगी अब नाजो? पहुंच गए हम ताजमहल। और यहाँ जलवा नुमाई का इंतजाम पहले से मौजूद है। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बस है मियाँ, और इस कॉलेज को तो लोग परिस्तान कहते हैं। कहिए इसरार साहब, आ रहा है कोई शेर याद इस हसीन इत्तेफाक पर? अरे भाई कहाँ खो गए इसरार साहब। हमें तो महसूस हो रहा है कुदरत ने अगर कहीं अपने हुस्न को बेनकाब किया है तो यहाँ
ताजमहल की सूरत में किया है। वाह इसरार साहब वाह। ठीक तो है जी। आपके बाजू में तो हो गई जलवा नुमाई अलीगढ़ के हुस्न की। अरे भाई अब तो कुछ कह डालिए इसरार साहब। हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था। सच में कितना खूबसूरत है। है ना? यही हो। वाकई खूबसूरत है। बहुत ही हसीन और नाजुक हैं। क्यों हाशिम, क्या ख्याल है आपका? इसे तो हम अपना बनाकर ही दम लेंगे। अरे दीवाने भैया, हमने तो मजाक किया था, तुम तो दिल पर ही ले लिए। तुम जानते हो लड़की को? क्या नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। और उनके बदन की खुशबू वही थी, वही अंदाज, शरारत में शराफत और शराफत में शरारत। लेकिन तुमने उन्हें पहचाना कैसे? 10 साल में तो काफी फर्क हो जाता है। पर मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकती। जिस्म बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर ना खुशबू बदलती है और ना मोहब्बत। अच्छा रानी, हमें किसी अपने के करीब होकर ही महसूस होता है ना, कि हम किसी अपने के करीब हैं। जैसे धड़कनों को धड़कने पहचान लेती हैं और सांसों को सांसें। अरे पगली, जब वो तुझे मिले थे तो बात क्यों नहीं की उनसे? अब एकदम से दिमाग काम नहीं कर पाया। तो फिर कैसे ढूंढोगी उन्हें? वो भी इस अलीगढ़ में नहीं, आगरा में। और आगरा कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं। मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया बहुत छोटी है। रानी, 10 साल पहले वो मुझे लखनऊ में मिले थे। क्या ऐसा सोचा भी जा सकता है कि वो मुझे यहाँ आगरा में मिल जाएंगे? काश काश वो वही हो, मेरा खोया हुआ प्यार। आपके अब्बू आए मिलने के लिए बीबी जी। तुम अब्बू से मिलो, हम अपने कमरे में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बेटी ये एक अच्छा सा कपड़ा मिल रहा था, नाप तो पहले से ही मौजूद था तुम्हारा, ये चूड़ा सिलवा कर ले आया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो। क्यों खर्च करते हैं मेरे ऊपर इतना? कपड़े तो थे ही मेरे पास, फिर तनख्वाह भी कितनी मिलती है आपको अब्बू? मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखूं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। ये तो खुदगर्जी थी सौतेली अब्बू की। मैं उनकी सौतेली बेटी थी, एक बोझ समझकर पालते रहे, जैसे ही बड़े आदमी बने दूसरी शादी भी कर ली और फिर रख गए आपके पास। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते। इस्लामुद्दीन की खुदगर्जी ही तो मेरे लिए खुशनसीबी बन गई। तो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखते अब्बू? इतनी उम्र भर मैं बाप की शफकत से महरूम रही। दुनिया बहुत बुरी है बेटा, मैं सारा दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता हूं, एक जवान बेटी को किसके भरोसे छोड़ूं? और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरती की दौलत जो अता फरमाई है, हाँ?
तुम यहाँ हॉस्टल में रहती हो तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी एक किले में महफूज है। और आइए अब दरख्वास्त करूंगा जनाबे इसरारुल हक मजाज से कि वो अपने कलाम से हम सभी को सरफराज करें। जनाबे इसरारुल हक मजाज। हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था। हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना हिजर में कैफ़े इज़्तिराब न पूछ, हिजर में कैफ़े इज़्तिराब न पूछ, खून दिल भी शराब होना था, खून दिल शराब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था। तेरे जलवों में घिर गया आखिर, तेरे जलवों में घिर गया आखिर, जर्रे को आफताब होना था, जर्रे को आफताब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था। कुछ तुम्हारी निगाह का फिर थी, कुछ तुम्हारी निगाह का फिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था, कुछ मुझे भी खराब होना
हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था। शौक को कामयाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, अब्बू आए थे। अच्छा मैं समझ गई, अब उनकी बात शायद तुम्हें परेशान कर रही है ना। खैर छोड़ो, ये देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये तस्वीर तुमने देखी? हाँ, ये वही है ना जो हमें आगरे में मिले थे। और मेरी पसंद की दाद नहीं दोगी? यानी ये वही लखनऊ वाले? हाँ, इनका नाम इसरार ही है, घर का नाम जगन था। इनकी गजल का पहला शेर सुनाओ। हुस्न को बेहिजाब होना था, ये शेर तुमसे मुतालिक है? काश ऐसा ही हो, अपनी जिंदगी इनके नाम लिख दूं। जी अबू, आपने बुलाया था हमें? जी हाँ। कॉलेज जा रहे हैं, कोई हुक्म हो तो। अखबार देखा अभी हमने, सुबह 9। जी वो गजल अच्छी है, पहली कोशिश है क्या? जी। हर तरह का फन खुदा का तोहफा होता है और खुदा की देन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, मगर मैं आपको यह एहसास जरूर दिलाना चाहूंगा कि शायरी अच्छे मुस्तकबिल की जामिन नहीं है। हम सरकारी मुलाजिम हैं और इतनी जमानत है कि हमें बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। जी। हमने आपको इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखा है, हम वालदेन के बुढ़ापे और भाई बहनों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर डाली है। बाप से ज़्यादा एक दोस्त की हैसियत से आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि शायरी का शौक़ ज़रूर अपनाइएगा, मगर शौक़ को अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पर हावी मत होने दीजिएगा। जी ठीक है, अब आप जाइए, कॉलेज के लिए देर हो रही है। भैया चाय। ये खत कहां से आया है? किसी परिस्तार का है। मेरा खोया हुआ ख्वाब। मेरे खोए हुए ख्वाब की ताबीर हैं आप, सच मानिए। मेरा दिल कहता है कि आप वही हैं, मेरा 10 साल से खोया हुआ ख्वाब। क्या आपको याद है वो लड़की जिसे आपने साइकिल से टक्कर मारकर गिरा दिया था? आपको याद है वो लड़की जिसको आपने ताजमहल के अंदर सीढ़ियों से गिरने से बचा लिया था? नाजिया का ही खत है ये। खाना लग गया जगन भैया। हमारा तबादला हो गया है अलीगढ़। अच्छा फिर जाना कब होगा? हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे ही। और जगन? इनकी तालीम पर असर न पड़े इसलिए इनको आगरा में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। हमने आपका इंतजाम कॉलेज के हॉस्टल में करा दिया है, कल जाकर प्रिंसिपल से मिल लीजिएगा और कमरा भी देख लीजिएगा। जी
किताबें रख ली सारी? जी भैया। अपना ख्याल रखना और देखो खाना वक्त पे खा लेना। जी अम्मा। खत का जवाब जल्दी दीजिएगा भैया। जरूर। अब वो अपना ख्याल रखिएगा। हौसला ही मर्द का सबसे बड़ा हथियार होता है बेटा। तुम चलो, हॉस्टल के लिए देर हो रही है। जी अम्मा। आइए बेगम। खाना खा लीजिए साहब। हाँ रख दीजिए। घर वाले चले गए साहब? जी चले गए। सलाम। आदा। खाना खा लीजिए। पहला दिन है आपका, आप हमारे मेहमान हैं। बोलिए कितनी लेते हैं आप? पानी पीते हैं हम सिर्फ। हमें मालूम है आप मशहूर शायर मजाज लखनवी। अब तकल्लुफ छोड़िए, हमें साथ ही रहना है। आप पीजिए, हम वाकई नहीं पीते इसे। मैं आशिम अंसारी। वैसे आप इतने मशहूर रोमानी शायर होकर शराब नहीं पीते? और आप शराब पीते हैं फिर भी शायरी नहीं करते, ये भी तो हैरत की बात है। अच्छी गुजरेगी जो हम लोग मिल बैठेंगे। आइए। दोस्तों के इसरार के बावजूद मजाज शुरू में शराब नोशी से बचते रहे, लेकिन दोस्तों की सोहबत ने मजाज को शराब नोशी की तरफ माइल कर दिया और वो इस फरेब के असीर बन गए। ये आखिरी पैग जोश साहब के नाम। सच कहा था उन्होंने, सच। जिंदगी में सुरूर और कैफ चाहिए तो अपने आप को सागर में डुबो दो। बिल्कुल नहीं थे। यकीनन ये खबर सुनकर हम सबको बहुत तकलीफ पहुंची है। देखिए आप जो भी फैसला करेंगे वो ही ठीक होगा। हमें इसका अंदाजा है बेगम। हमने फैसला किया है कि अब मुस्तकबिल में उनकी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होगी। गलत सोहबत इंसान को तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देती है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से इत्तफाक रखती हूँ। अब बेहतरी इसी में होगी कि जगन अपनी पढ़ाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पूरी करे।
मैं आज ही उनको यहाँ आने की हिदायत भिजवाई देता हूँ। जी अच्छा। इस तैयारी का मतलब क्या है? अलीगढ़ जा रहे हैं हम। कमाल है, आज आखिरी इम्तिहान था, इतनी जल्दी क्या पड़ गई खजाने की? हुक्म है अब्बू का। हुक्म है अब्बू का। वैसे हम आपको अपनी महबूबा की तस्वीर भी दिखाते और गजल भी लिखवाते। जरूर लिखेंगे आपकी महबूबा के ऊपर हम गजल। आप आएंगे अलीगढ़, हम भी मुलाकात कराएंगे आपसे अपनी महबूबा की। चलिए ठीक है, फिर हम आपको अपनी महबूबा की तस्वीर तो दिखाई देते, शायद आप कुछ शेर कह सके। इसरार साहब, एक रात की मोहलत दे दीजिए, आज आपके लिए एक नशिस्त रखी गई थी अस्करी साहब के घर पर आपके एजाज में। हमें माफ कीजिएगा नदीम साहब, हम अब्बू का हुक्म नहीं टाल सकते, हमें आज रात की गाड़ी से ही रवाना होगा चपरासी जावेद का टिकट लेने के लिए। अगली बार से ही जी। चलिए टिकट दिखाइए जनाब। अरे टिकट दिखाइए जनाब। ये तो थर्ड क्लास का टिकट है। ओहो, हमने कब कहा कि फर्स्ट क्लास का टिकट है मिश्रा लगा के? और सफर आप फर्स्ट क्लास में कर रहे हैं? हमारे खानदान का उसूल है कि कभी थर्ड क्लास के पायदान पे कदम नहीं रखा मिश्रा लगा के। यानी कि आपका खानदान थर्ड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में सफर करता है? अब हमारा हाथ इतना भी फयाज नहीं है मिश्रा लगा के। हमारे यहाँ जब दर आमद हो रही हो तो हम सब भूल जाते हैं मिश्रा लगा के। क्या चीज दर आमद करते हैं आप? अरे जनाब, हम क्या सूरत से आपको तिजारत पेशा नजर आते हैं मिश्रा लगा के? हम फनकार हैं जनाब, शायर हैं शायर। आप कभी किसी शायर से मिले हैं? यानी कि आप शायर हैं? जी हाँ जनाब। वैसे मैं तो दीवाना हूँ शेरो शायरी का, हुजूर आपका इसमें गिरामी। खाकसार को मजाज कहते हैं। अरे आप ही मजाज लखनवी? जी हाँ। मैं तो जबरदस्त मद्दा हूँ आपका। अदावत है। जहर नसीब जो आपका दीदार नसीब हो गया। देखा जनाब, इसे कहते हैं शायर का रुतबा। आप लोग खातिम से एक नई गजल समाप्त फरमाइए मिश्रा लगा। इरशाद इरशाद इरशाद। हाँ, अर्ज किया है, हुस्न को बेनकाब होना था। बहुत खूब, बहुत खूब। हुस्न को बेनकाब होना था। बहुत खूब। हुस्न को बेनकाब होना था। हुस्न को बेहिजाब होना था। अदावत है, अदावत है। आपने इसे कहते हैं शायर का मद्दा। इन्हें हमारी पहली गजल का पहला मिसरा तक याद है, मिसरा लगा के। अरे जनाब, आप लोग हमारा कलाम नहीं सुनेंगे? हमारा स्टेशन आ गया। अच्छा। चलो, एक तो बाकी मिसरा लगा के। अरे ये क्या? ये तो वही मुसाफिर है जो टॉयलेट गया है। असरारुल हक मजाज। कहाँ जा रहे हैं जनाब? अरे जनाब, जरा दरवाजा छोड़िए, मुझे नीचे उतरना है मिश्रा लगा के। गाड़ी चल रही है जनाब, अभी उतरेंगे तो मिश्रा लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। बैठिए, चलिए। जनाब, नहीं उतरूंगा तो मजाज साहब मेरा मक्ता बना देंगे। कहाँ जा रहे हैं? अलीगढ़ जा रहे हैं, रिश्तेदार हैं। हम भी वहीं उतरेंगे। घर पे कैसे हैं सब? बस अब तो सब बेचैन हो गया आपके इंतजार में, ईद समझिए घर वालों के लिए। आइए।
अबू अबू को बुखार है बेटा, इनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अब हम ठीक हैं। बहुत कमजोर हो गए हैं, डॉक्टर कह रहे थे कि अब कुछ दिन के लिए इनको आराम की जरूरत है। आप ठीक हैं? जी, आपकी दुआएं। कितने दुबले हो गए तुम। अबू ने फैसला किया है कि तुम अब यहाँ अलीगढ़ में पढ़ोगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और हाँ, अब तुम साइंस नहीं पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे। हम तो तभी समझ गए थे जब हमें सामान के साथ आने को कहा गया। अल्लाह। बहुत ही बोरिंग पीरियड था। चलो कैंटीन में बैठते हैं। अच्छा। या अल्लाह। आपके हाथों में जो किताब है वो हमारी है। माफ कीजिएगा। माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपको तकलीफ देने के लिए। तो चलिए फिर आप ही मांगिए माफी। चलो चलो, देर हो रही है हमें। पागल लड़की, किसको सलाम कर रही हो? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, पीछे लग गए तो बुरका फेंकवा देंगे। गलत मत समझो, ये ऐसे नहीं है। जानती हो तुम इन्हें? बरसों से। क्या कह रही हो, तुम तो मजाज के सिवाय किसी को नहीं जानती थी। पहचाना नहीं तुमने? कितनी तस्वीरों में देखा है उनको। अरे खुदा, कब से तुम इनके लिए परेशान थी, आज मिले तो इस तरह। बात क्यों नहीं की तुमने उनसे? अब वो स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी के, और इतना शोहरत याफ्ता आदमी किसी की नजरों से उछल नहीं रह सकता। कैसे अंदाजा लगा लिया तुमने कि वो स्टूडेंट है? वो शायद क्लास करके लौट रहे थे। तुम उन्हें इतनी मुद्दत तक नहीं भूल सकी, तो वो भला कैसे भूल पाएंगे तुम्हें? पता नहीं वो मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। आज अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की तरफ से मुशायरे का इंतजाम किया गया है, जिसमें मजाज खुसूसी मेहमान होंगे। तस्कीन दिले महजून होवी, वो सही ये करम फरमा भी गए। तस्कीन दिले महजून होवी, वो सही ये करम फरमा भी गए। इस सही करम को क्या कहिए, इस सही करम को क्या कहिए। बहला भी गए, तड़पा भी गए, तस्कीन दिले महजून हुई। मर्ज़े वफ़ा भी कर न सके, हम मर्ज़े वफ़ा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके। मर्ज़े वफ़ा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके। या हमने ज़ुबान ही खोली थी,
खोली थी वहाँ आँख झुकी शर्मा भी गए या हमने ज़ुबान ही खोली थी वहाँ आँख झुकी शर्मा भी गए इस सये करम को क्या कहिए पहला भी गए तड़पा भी गए तस्कीन दिले महजून ना हुई दे गमे उल्फत उनसे रूदा दे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते रूदा दे गमे पतुन से हम क्या कहते क्यों कर कहते एक हर्फ न निकला होंठों से एक हर्फ न निकला होंठों से और आँख में आंसू आ भी गए एक हर्फ न निकला होंठों से और आँख में आंसू आ भी गए इस सये करम को क्या कहिए बहला भी गए तड़पा भी गए तस्कीन दिले महजून न हुई ऑटोग्राफ प्लीज क्या मालूम किसकी फरमाइश है कितनी मुद्दत के बाद नसीब हुआ है फिर ताजमहल का दीदार कहीं हम खुशी से मर ना जाएं खुदा ना करे क्यों हमारी जान लेना चाहते हैं आपकी जान से अब हमारी जान है कहाँ ढूंढते हैं अपनी जान को कोई है यही रहती हैं सफिया जी मेरी बड़ी बहन है कहिए अरे तुम आ गई नाजिया बारह तेरह साल में चेहरे कितने बदल जाते हैं लोगों के मैंने ना तो तुम्हें पहचाना था और ना ही हमीदा को बस अम्मा को देखते ही पहचान गई अल्लाह तुम नासिया हो आ बैठो आओ ना नाजिया बैठो ना तो तुमने जगन भैया को भी पहचान लिया होगा ना कितनी देर की इजाजत मिली है हॉस्टल से ऐसे तो हॉस्टल से अबू ने ही इजाजत ली है शाम तक की इजाजत मिल जाती है
पसंद आई होने वाली बहू अम्मा। जगन की पसंद मेरी पसंद। बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। माशाल्लाह नसे बत्तूर। कब तक यहाँ खड़ी इंतजार करती रहेंगी? अरे आप अभी तक सोए नहीं? देखिए आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नींद पर किसी का काबू नहीं होता बेगम, इसके लिए जहनी और दिमागी सुकून लाजमी है, जो शायद अब हमारे नसीब में है नहीं। देखिए दिल छोटा मत कीजिए, एमए हो जाएगा, उसके बाद उसकी मुलाजमत लग जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और फिर जगन आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा ख्याल रखता है आपका। और जगन आ गया, आप अंदर जाइए। क्या देख रहे हैं आप ऊपर? दरअसल हम सोच रहे थे कि मजाज साहब का घर यही है। जी हाँ। उठिए उठिए, चलिए अंदर चलिए। ये काला बादल तो हटाएं। यूं मुस्कुराए रुख से उठाकर निकाब को, कुछ बिजलियों ने घेर लिया आफताब को। इतना मत उठाएं कि हम मगरूर हो जाएं। मगरूर हुस्न ही तो आशिक के लिए शराब होता है। अब इस नशे का नाम मत लीजिए, ये हमारे गुरूर पे खाक डाल देता है। क्या कह रही हैं? अच्छा सच सच बताइए, शराब में ज्यादा नशा होता है या प्यार में? हम आपसे वादा करते हैं, अब से हम इस नकली शराब से अपना जी नहीं बहलाएंगे। बहुत अच्छे हैं आप। नुमाइश से लाया, बहुत पुरानी हो गई थी आपकी टोपी, कल से आप इसे पहन के घर से बाहर जाएंगे। इसको संभाल कर संदूक में रख दीजिएगा। अच्छा ये लो। जी। आपके लिए कानों के बुंदे, सफिया और हमीदा के लिए झुमके। तुम्हें जीता रखे बेटा, माशाल्लाह। हाँ और अंसार के लिए कलम। अरे भैया इसकी हमें बहुत जरूरत थी, ये नायाब तोहफा मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। भैया बस आप। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मा बस अल्लाह के शुक्र पे ही बट डाल दीजिए, भैया का रिश्ता पैक कर ही डालिए। अम्मा भैया की जिंदगी में अगर नाजी आई तो बहुत कुछ बदल भी जाएगा। ठीक है अब मैं लखनऊ तय करके ही जाऊंगी। अरे ये तो शेर मार गया। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी
इतने बड़े घराने की बहू बनेगी। आसिम मियां, इंसान छोटा और बड़ा अपने आमाल से होता है। नाजिया हमें बहुत पसंद है। बस एक दरखास्त है आप लोगों से, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, लेकिन जगन मियां की मुलाजमत पक्की होने के बाद ही ये निकाह और रुखसती हो तो अच्छा है। नहीं नहीं भाई साहब, हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी चाहते हैं कि मुलाजमत के बाद ही रुखसती हो। तो मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए, आप भी लीजिए। शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। बस एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे भाई साहब। वो बच्चियां कह रही थी कि एक बार बात पक्की हो जाए तो इसरार और नाजिया की मंगनी करा दी जाए। वो क्या है कि बच्चियों की खुशियों के लिए रस्म भी हो जाएगी और घर में चहल पहल और रौनक भी। देखिए बहन, मैं जबान दे चुका हूँ, मेरी बच्ची अब आपकी अमानत है। आप जो रस्म चाहें, जब चाहें पूरी कर सकती हैं, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, तो फिर मैं मंगनी की सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। जी। चलो सखीरी आज सजाए चंदा जैसी गोरी को, चलो सखीरी आज सजाए चंदा जैसी गोरी को, अमर से धरती पर आए है, अमर से धरती पर आए देख चांद चकोरी को, चलो सखीरी आज सजाए चंदा जैसी गोरी को, चलो सखीरी आज सजाए चंदा जैसी गोरी को, अमर से धरती पर आए है, अमर से धरती पर आए देख चांद चकोरी को, चलो सखीरी आज सजाए चंदा जैसी गोरी को।
आज नाजिया बहुत परेशान थी। क्यों? उनके अब्बू के पास एक रिश्ता है किसी अमीरजादे का, एक कार और एक कोठी, और नाजिया के लिए बैंक अकाउंट्स की पेशकश के साथ। बड़ी अच्छी बात है, ऐश करेगी नाजिया फिर तो। और आपको भूल जाएंगी, भूल पाएंगी कि अब आपसे मोहब्बत करती हैं। सफिया शरीफ आदमी जुबान नहीं बदला करते। नाजिया के साथ मंगनी हुई है हमारी। कभी कभी औलाद की भलाई की बात सोचकर भी बाप की जुबान बदल सकती है। वैसे भी अभी आपका एमए शुरू ही हुआ है, बहुत तवील मुद्दत होती है 2 साल। अगर इसी दरमियान नाजिया के अबू ने अपना फैसला बदल दिया तो क्या होगा? नाजिया मिलना चाहती हैं कल आपसे नकवी पार्क में, और उन्हें मत बताइएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है, उन्होंने सख्ती से मना किया है। घर में रहने के लिए कब बुलाएंगे हमें? अभी तो एमए की पढ़ाई चल रही है, मुलाजमत मिलते ही बुलवा लेंगे आपको घर संभालने के लिए। कभी कभी तो डर लगने लगता है हमें, वक्त के तेवर बदलते देर नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत कभी वक्त के तेवरों से नहीं डरती, और वैसे भी आपके वजूद पर अब हमारे नाम की मोहर लग चुकी है मंगनी के बाद। दौलत में बहुत ताकत होती है, अगर हमें खरीदने की कोशिश की गई तो क्या करेंगे आप? कौन है जिससे डर रहे हैं आप? डॉक्टर अंसारी का लेपालक बहुत अमीर है, वो तब से हमारे पीछे हैं जब से हमने दिल्ली छोड़ा था। हमारे अब्बू बहुत सीधे और अच्छे हैं, बहुत गरीबी देखी है, वो हमें शहजादी बनाने का ख्वाब देखा करते हैं, अगर कोई सोने का पिंजरा नजर आ गया तो। ऐसी मनहूस बातें ना कीजिए इन हंसी लबों से, ये हमारे हैं और इन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम आपसे वादा करते हैं अगर पढ़ाई के दौरान हमारी मुलाजमत लग गई तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। कल रात तुमने शराब कुछ ज्यादा पी रखी थी, कोई खास बात? काफी परेशान नजर आ रहे हो। ओ आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मजाज से ये कह रहा था, एक नए किस्म की शायरी की जरूरत है हमें, एक नए किस्म के अदब की जरूरत है जो हमें एक नई बसीरत दे सके। हमें इनकलाबी अदब ही नहीं चाहिए बल्कि अदब में ही इनकलाब चाहिए। अरे बहुत हो चुकी है नवाब और राजवारों की महफिलें और उनकी ताक झाक की बातें, तवायफों के मुजरे और इश्क और आशिकी का रोना। आप ये सब लिखते क्यों नहीं है? जरूर लिखूंगा भाई। मजा साहब, मैं मुशायरे में आपको ये लिफाफा देना भूल गया था। अलीगढ़ मैगजीन के पते पर ऑल इंडिया रेडियो का ये लिफाफा कल ही आया था, जरूर कोई खुशखबरी है। फिल्डन साहब ने 3 अफराद को ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी है। लाहौर के आगा बुखारी साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, और आपके अपने इसरारुल हक मजाज। अरे बहुत बहुत मुबारक हो मजाज। क्या बात है। शुक्रिया। मुबारक मुबारक। शुक्रिया। मुबारक हो। तुझको खबर है हम क्या क्या, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या, ऐ शोरिशे
दौरा भूल गए, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐ शोरिशे दौरा भूल गए, वो जुल्फे परेशान भूल गए, वो दीदाएं गिरियां भूल गए, वो जुल्फे परेशान भूल गए, वो दीदाएं गिरियां भूल गए, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या का तुम दावा कर डाला, अपना ही मुदावा कर ना सके, सबका तुम दावा कर डाला, अपना ही मुदावा कर ना सके, सबके तो गरीब बांसी डाले, सबके तो गरीब बांसी डाले, अपना ही गरीब भूल गए, सबके तो गरीब बांसी डाले, अपना ही गरीब भूल गए, वो जुल्फे परेशान भूल गए, वो दीदाएं गिरियां भूल गए, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐ शोरिशे दौरा भूल गए, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या। क्या जिंदगी में भी ऐसी हसमुख और खुश मिजाज है जितना तुम सोच रही हो? उससे कहीं ज्यादा। आखिर इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई ये मुलाकात? बहुत अच्छा रहा आप लोगों का प्रोग्राम, ये नजर आना है आप लोगों की खिदमत में ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। उर्दू के फनकार हैं आप लोग, इसलिए एक मशवरा लेना है आप लोगों से। दरअसल ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से उर्दू जुबान की नशियात के मुतालिक एक रसाला निकालना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा सा नाम तजवीज कीजिए। जी, रसाला ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात से ताल्लुक है। रेडियो से सिर्फ आवाज ही नशर होती है। हमारे ख्याल से रिसाले का नाम आवाज ही होना चाहिए। बहुत खूब मिस्टर मजाज, आपने वाकई जहानत का सबूत दिया। क्या ख्याल है मिस्टर आगा, मिस्टर सिद्दीकी? जब आपको पसंद है तो किसी की राय की जरूरत ही नहीं है। चलिए, नाम तो तजवीज हो गया, आवाज। अब इस रसाले की अदारत के लिए एक मेहनती और जिम्मेदार उर्दू दान शख्स की जरूरत है, और उसे नौजवान भी होना चाहिए, और मैं इस सिलसिले में मिस्टर मजाज का नाम तजवीज करूंगा। इस तजवीज से मैं इत्तफाक करता हूं। आप लोगों ने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। क्या ख्याल है मिस्टर मजाज? मिस्टर मजाज, बतौर उस्ताद मेरी राय है कि आप अपना एमए भी मुकम्मल कर सकते हैं। ऐसी नौकरी की पेशकश बार बार सामने नहीं आएगी, और नौकरी भी सरकारी है। हमारे बुजुर्ग हैं आप लोग, आपका हुक्म कैसे डाल सकता हूँ? मुझे बहुत खुशी हुई, एक हफ्ते के अंदर आप तैयारी करके दिल्ली आ जाएं, आपकी रिहाइश का इंतजाम कर दिया जाएगा। मैं अभी आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा देता हूँ। ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमने कि हमारी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। दुनिया की कोई ताकत
आपको हमसे छीन नहीं सकती, आप सिर्फ हमारी हैं। कब जा रहे हैं आप दिल्ली? बस दो रोज बाद। और वहां रहेंगे कहां? इसका बंदोबस्त फेडलन साहब ने कर दिया है। हुजूर, हुजूर, इस ट्रेन से हमारे मालिक आने वाले थे मिश्रा लगा के, मगर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले कहीं देखा है मिश्रा लगा के? एक शायर की याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं होनी चाहिए मिश्रा लगा के। मालिक, आपका ही तो बोझ उठाने आया था मैं स्टेशन पे मिश्रा लगा के। आप पहले भी हमारा काफी बोझ हल्का कर चुके हैं मिश्रा लगा के। मालिक, अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें तो फेल्डन साहब ने रखा था आपकी खिदमत के लिए। फेल्डन साहब कहाँ मिल गए आपको? हम गए थे उर्दू प्रोग्राम में एक गजल सुनाने के लिए रेडियो स्टेशन पे। जब उन्हें गजल सुनाई तो फेल्डन साहब कहने लगे कि ये गजल तो हम पहले सुन चुके हैं मजाज साहब से आगरा में। हम भागने लगे तो उन्होंने वापस बुलाया। हमने कह दिया मजाज साहब हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते आपके दोस्त दिल्ली आ रहे हैं। बस हमें मिल गई नौकरी मिश्रा लगा के। चलिए फिर मिश्रा लगा के। आदावर्ज है। आइए बदर साहब। हमारे लिए हुक्म फरमाइए मिश्रा लगा के। दो खत डालने हैं डाक में और फिर एक तकलीफ और दूंगा, एक मनी ऑर्डर भी करना है। हमारी बहन सफिया का दाखिला करवाना है अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में। आदाब हुजूर, बड़े साहब ने आपको सलाम बोला है। आइए मिस्टर मजाज, इनसे मिलिए। यह है मिस्टर इस्लामुद्दीन, बहुत मशहूर कांग्रेसी लीडर। आदाब। प्लीज बी सीटेड। आपकी सूरत तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जी, लखनऊ में आप पड़ोस में, आपको शायद जगन याद होगा। अच्छा, चौधरी सराजुल हक साहब के साहेबजादे आप हैं। जी। मशहूर शायर मजाज लखनवी। भाई बहुत खुशी हुई हमें इस वक्त। पुरानी पहचान निकल आई है आप लोगों की मजाज साहब। एक मुशायरा कर रहे हैं अंसारी साहब अपनी कोठी पर दरियागंज में, जिसमें मेहमान खुसूसी सरोजनी नायडू होंगी। हाँ भाई मजाज साहब, हम तो आपको मधु करने आए थे। ये है हमारा कार्ड। ये तो हम आपके मुशायरे में जरूर शामिल होंगे। शुक्रिया। आप भी मधु हैं? अरे नहीं नहीं, मैं मेहमान नहीं, मेजबान हूँ, अंसारी साहब का बेटा हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन आप अभी भी अलीगढ़ में ही हैं? वो हमारी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी फख्र की बात है। दिल्ली में क़याम का कोई भी मसला हो तो गरीब खाना हाजिर है। हम शुक्रगुजार हैं आपके, अगर कोई मसला खड़ा हुआ आपको तकलीफ ज़रूर देंगे। फिलहाल तो चांदनी चौक में घर मिल गया है। जी आइए। मोहतरमा सरोजनी नायडू, आपके कलाम की परिस्तार हैं, आप ही हैं मजाज साहब। मजाज साहब, हमारी सियासी पार्टी में आपके कलाम से एक नया जोश, नया रंग, नई उमंग पैदा होती है। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। आज की शाम अपनी खूबसूरत आवाज से यहाँ के सामाइन को लुत्फंदोज करें। शुक्रिया। देखना जज़्बे मोहब्बत का असर आज किरा, देखना जज़्बे मोहब्बत का असर आज किरा, मेरे शाने
पे है उस शोक का सर, आज की रात देखना जज़्बे मोहब्बत का असर आज की सिमत उठाओ आंखें, नूर ही नूर है किस सिमत उठाओ आंखें, हुस्न ही हुस्न है ताहते नजर आज की रात, हुस्न ही हुस्न है ताहते नजर आज की रात, मेरे शाने पे है उस शोक का सर, आज की रात देखना जज़्बे मोहब्बत का असर आज की रात, देखना जज़्बे मोहब्बत का असर आज की आ गए मजाज साहब। जी अभी अभी आए हैं और मैंने आपका सलाम उन तक पहुंचा दिया है। माफी चाहते हैं हम, कल रात अंसारी साहब के मुशायरे में काफी देर हो गई थी हमें। यह सरकारी नौकरी है, इस पर हमारा भी अख्तियार नहीं है, हम भी अगर चाहें तो इतनी ताखीर से नहीं आ सकते, ओहदे का तो ख्याल रखिए। जी बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई है हमारे जगन को दिल्ली रेडियो स्टेशन में, और सरकार की तरफ से घर भी मिल गया है चांदनी चौक में। ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखिए ना, अकेले रहते हैं, घर में बस एक नौकर है, खाना भी बाजार से मंगवाना पड़ता है। अब कोई तो अपना होना चाहिए जिसको फिक्र हो, दिल में दर्द हो, नौकर से तो काम नहीं चलता। और फिर शरीके हयात से बेहतर कौन देखभाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नाजिया आपकी अमानत है, आप जब चाहें निकाह पढ़वा कर उसे ले जा सकती हैं। ठीक है, फिर इम्तिहान खत्म होते ही आप नाजिया को लखनऊ ले आइए। जी सफिया भी आ जाएगी इम्तिहान खत्म करके, और वहाँ पे हम आपके लिए घर का इंतजाम करवा देंगे, आपके काफी सारे अखराजात बच जाएंगे। जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपके एहसानों को चुका पाऊंगा। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, अब तो आप हमारे अपने हो गए, और फिर अपनों पे किस तरह का एहसान। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही जगन को दिल्ली खत लिख देती हूँ। स्टाफ रजिस्टर पर हाजिरी के साथ टाइम भी नोट होता है, आज तीसरा दिन है। मुझसे तो जहाँ तक मुमकिन हुआ मैंने संभाला। आपको पता है मिस्टर बुखारी चार्ज ले रहे हैं मेरी जगह। जी। वो बहुत ज्यादा दिल वाले भी नहीं है और फराग दिल भी नहीं है। जी ख्याल रखेंगे हम। जाइए संभालिए ऑफिस। जी जरूर। अबू पानी, आपकी वालिदा कहाँ है? उनसे कहिए तार आया है आसिम मियाँ का, अंसार और सफिया के साथ वो दोनों आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अबू, बस जल्दी से जगन भी आ जाए।
हम लोग अलीगढ़ गए थे नाजिया के अबू से मिलने। उनसे बात करके हमने नाजिया के इम्तिहान के फौरन बाद उसे रुख्सत करा के लाने की बात कर ली है। शादी लखनऊ से होगी। आसिम भाई से ये बात तय हो चुकी है। सफिया हमीदा के साथ साथ हम और अब्बू भी बहुत खुश हैं। हमें बेचैनी से इंतजार है तुम्हारे आने का। तुम्हारी अम्मा। कितना सुकून मिल रहा है ना। खत्म हो गए इम्तिहान भी। शुक्र है। कैसा हुआ पर्चा? बहुत अच्छा। चलो अब जिंदगी का इम्तिहान शुरू होने वाला है। नाजिया हाँ? तुम्हारे अब्बू आए हैं तुमसे मिलने। तुम लोग चलो मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है। नाजिया मेरी बच्ची। पर्चे बहुत अच्छे हुए और आज का आखिरी पर्चा तो बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह तुम्हें अव्वल दर्जे में पास करे। बस जल्दी से अब अपना सामान बांध लो और घर चलो। अगले ही हफ्ते हमें लखनऊ के लिए रवाना होना है। सर आइए मुजाज साहब बैठिए। हाँ मुजाज साहब कहिए। जी हम आपके पास एक महीने की छुट्टी की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए हैं। दरअसल अगले हफ्ते हमारी शादी है। मुबारक हो। शादी है तो एक लंबी छुट्टी होनी चाहिए। हम आपके लिए छुट्टी का पूरा पूरा इंतजाम किए दे रहे हैं। ये लीजिए इसे पढ़ लीजिए। ये क्या है सर? ये सरकारी ऑफिस है। आपकी अटेंडेंस में बहुत गड़बड़ है। किसी किसी दिन आप 12 बजे भी ऑफिस आते हैं। इसके अलावा आपकी कुछ इनकलाबी नज़में जो सरासर बरतानवी सरकार से बगावत का ऐलान है। अफसोस है मजाज साहब ये सरकारी अदारा है कोई प्राइवेट अदारा नहीं। इसमें बेकायदगी तो नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी सरकार के किसी अदारे में एक बगावत के अलम बरदार की मुलाजमत तो कतई नामुमकिन है। देख ले मीना बाई यही है तुम्हारी पसंद की वो शायर। हुजूर मजाज लखनवी सुना दो अपनी पसंद की कोई खड़कती हुई चीज कि मजाज साहब तुम्हारी परिसारी के कायल हो जाएं। कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या है शोरिशे दौरा भूल गए। कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या है शोरिशे दौरा भूल गए। वो जुल्फे परेशान भूल गए वो दीदे गिरिया भूल गए। कुछ तुझको खबर कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या। तसव्वुर क्या कीजिए ज़ौक़े तसव्वुर क्या कीजिए हम सूरत जाना भूल गए।
کیجئے اے ذوق تصور کیا کیجئے ہم صورت جانا بھول گئے وہ زلف پریشان بھول گئے وہ دیدہ گریہ بھول گئے کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا غم غلط کر دو نازیہ
नाजिया। हुजूर, हमें नाजिया का रुतबा मत दीजिए। अगर वो आपकी महबूबा है तो मैं तो कोठे पर बिकने वाली एक अदना चीज हूँ। जाग उठे आप। फर्श पर सोना पड़ा आपको। मैं आपकी परिस्तार हूं। इस कमरे में आकर भी आपने मुझे एक पाकीज़ा रात देकर अपने किरदार को काबिले इबादत बना दिया मेरी नजरों में। उन रातों की हैसियत तो बस एक हस्ती की अमानत होती है जिसे महबूबा के बाद जौजा बनने का फख्र हासिल होता है। हम ना तो खरीदार हैं ना बिकाऊ, और वैसे भी आप जैसे हसीन फूल तो खुशबू फैलाने के लिए होते हैं, मसलने के लिए नहीं। हमें आप सिर्फ कोठे की पैदावार नहीं लगती। वो तो हमारी अम्मा भी कोठे की पैदावार नहीं है। कोई फरेबी आशिक उन्हें घर से भगा लाया था। रगों में माँ का दूध दौड़ रहा है, फरेबी बाप की कमाई का खून नहीं। काश हम आपके लिए कुछ कर सकते। ये लो कपड़ा और इसे लगा दो, ठीक है? गाड़ी अभी तक आई नहीं। हाँ, गाड़ी तो आ चुकी होगी, वो लोग भी बस आ ही रहे होंगे। अरे जाके देखो तो। हाँ भैया आ गए। नाजी और उनके अब्बू क्या दूसरे टांगे से आ रहे हैं? यही पूछ लोगी सब कुछ, अंदर तो आना दो हमें। खुशी के मौके पे रोना, क्या हुआ? हुआ क्या? मुलाजमत छूट गई है जगन भैया की। या अल्लाह, आसिम चाचा ने इनकार कर दिया शादी से। समझ रहा हूं बेटी कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। तुम्हारी अम्मी ने भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत की थी। जब हमारा निकाह हुआ तो मैं मुलाजमत किया करता था,
शादी के एक साल बाद मेरी मुलाजमत छूट गई। बेरोजगार होने की वजह से हम दोनों के बीच तलखियां बढ़ने लगी और तुम्हारी पैदाइश के बाद ये तलखियां और भी ज्यादा बढ़ गई। तुम बहुत छोटी सी थी जब तुम्हारी मां ने मुझसे तलाक ले ली क्योंकि वो इस्लामुद्दीन से शादी करना चाहती थी। सौतेली बेटी होने की वजह से इस्लामुद्दीन तुमसे चलता था। महज 10 साल की थी तुम। इस्लामुद्दीन ने तुम पर हाथ उठाया। उस वक्त सकिया तुम्हें यहां मेरे पास छोड़कर चली गई। मैंने दूसरी शादी नहीं की। अपनी सारी उम्र तुम्हारी परवरिश में लगा दी। फिर इस्लामुद्दीन किसी मालदार लड़के को दामाद बनाने के लिए तुम्हें यहां से ले गया। लेकिन उस लड़के का चाल चलन ठीक नहीं था इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ही मेरे किसी शनासा ने मुझे ये बताया कि मजाज की नौकरी नहीं है, नौकरी छूट चुकी है, बेटा ये खबर सुनने के बाद मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं नहीं चाहता था कि जकिया की कहानी तुम्हारे साथ दोहराई जाए इसीलिए मैंने जगन के साथ इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया और इस्लामुद्दीन को खबर भिजवा दी कि मुझे तुम्हारी और हाशिम की शादी मंजूर है। बेटी तुम वहां मालकिन बनकर रहोगी। मालकिन। मैंने तुम्हें बताया नहीं मैं एक मौलिक मर्ज में मुब्तिला हूं। अब्बू मौत की आगोश में जाने से पहले मैं अपनी बेटी को खुश और खुर्रम देखना चाहता हूं। फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लखनऊ लेकर चलता हूं। नहीं अब्बू, मैं आपकी खुशी और सुकून में ही खुश रहूंगी। मां को तो खो चुकी हूं, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाए। पता नहीं मेरी आंखें कब बंद हो जाए। नहीं अब्बू, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहिए। को कौन बदल सकता है बेटी, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हें दुल्हन बने हुए देख लूं और डोली में बिठाकर अपनी बेटी को रुखसत कर सकूं। Thank you.
आज तो चांद पे से बादल हटा दो। कौन है तमीर? दुल्हन के अब्बा का इंतकाल हो गया है। मर गया तो क्या? बेटे का तो वैसे ही मरना था। आज हमारी स्वागत है। खुदा के लिए हमें हमारे घर भिजवा दीजिए, हमें अलीगढ़ भिजवा दीजिए। अलीगढ़ भेज देता हूँ। घर में इतने सारे मेहमान हैं और हम तुम्हें अलीगढ़ भेजते हैं। आओ, कहीं नहीं जा रहे तुम। दुनिया की हर रस्म को तोड़ दिया। अच्छा, सफिया, हमीदा। भैया, अम्मा, भैया आ गए। मेरा लाल, अगर नाजिया की शादी आपसे हो चुकी होती और तब आपकी मुलाजमत छूटती तो कि वे नाजिया को वापस बुला लेते और आपसे छुड़ा कर दूसरी शादी कर देते। पहले कह चुके थे कि शायरी से किसी का पेट नहीं भरता, अमीर ज़ादे से शादी करवा दी। अब कलेजा ठंडा पड़ गया होगा उनका। अम्मा, आखिर बात क्या है? नहीं भैया, कुछ खास बात नहीं है। वक्त ने कुछ सितम ज़रीफ़ी की हम सबों के साथ। बेटा, समझ में नहीं आ रहा इतनी मनहूस खबर तुम्हें कैसे दूं। अम्मा, बात क्या है? नाजिया हमारी नहीं रही। क्या? हाँ, आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जी। और कोशिश करो कि अपनी जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करो, क्योंकि नसीब को तो कोई बदल नहीं सकता ना। और फिर ऐसे किसी हादसे की वजह से ना नसीब टलता है बेटा, ना ही अल्लाह ताला से शिकायत की जा सकती है। तुम्हारी मोहब्बत नाजिया से बहुत पाक थी, इसी पाकिजगी के खातिर और महबूबा की अजमत को मद्देनजर रखते हुए तुम नाजिया को भुलाने की कोशिश करो। हम तुम्हारे लिए बेहतर लड़की ढूंढेंगे बेटा, जो नाजिया से ज्यादा खूबसूरत हो। और जहां तक मुलाजमत का सवाल है, तो जो मुलाजमत चली गई उसके ऊपर आपके मुस्तकबिल का इन्हिसार नहीं था। आप तालीम याफ्ता हैं, वैसी 10 मुलाजमतें मिल जाएंगी, जेब खाली नहीं रहेगी आपकी। आप मर्द हैं, हिम्मत से इन हालात का मुकाबला करें। शाबाश। जाओ बेटा, नहा धोके नाश्ता हमारे साथ करना, फिर सो जाना। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं। मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं। जख्म सीने का महक उठा है, जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं। ऐ गमी दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गमी दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गमी दिल क्या करूं।
क्या करूं, है वहशत दिल क्या करूं। मजाज की शादी जरूर टूट गई लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। सुखनवरी ने उन्हें जीने का हुनर सिखा दिया और वो मुशायरे की आबरू बनकर रहे। ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहें नर किसु पावस्ताए के सुए सुम्बुलू। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल। यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, पर जुए रवा पर बरसेगा, हर कोहे गिरा पर बरसेगा, हर सरो समन पर बरसेगा, हर दश्तो दमन पर बरसेगा। खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरब पर गरजेगा, हर कसर तरब पर तड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसेगा। अस्सलामु अलैकुम। असरारुल हक मजाज हमारी यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन स्टूडेंट और अच्छे शायर हैं। आज नजरे अलीगढ़ पेश करके उन्होंने हम सभी के दिलों को जीत लिया। इससे अच्छा तोहफा हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और क्या हो सकता है। और क्या हो रहा है मियां असरार? सामीन के वावा के मजे लूट रहा हूँ। वाह, तो क्या कोई अच्छी सी मुलाजमत नहीं मिली अब तक? मुकद्दर में लगता है आजादी लिखी अभी। तो फिर ये लीजिए, इसमें हार्डिंग लाइब्रेरी दिल्ली का पता है। एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जरूरत है वहां पर। सीनियर एक अंग्रेज हैं, हम उन्हें जानते हैं, उनसे हम कह देंगे। आप अपना दरख्वास्त भेज दीजिएगा मियां। जी ठीक है, शुक्रिया। चलिए। ओह प्लीज बी सीट हेड। शुक्रिया। प्लीज। ग्रेजुएट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी। आपने ऑल इंडिया रेडियो के रिसाले आवाज की अदालत भी की है। जी। शायर भी हैं। बहुत खूब। मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करने के लिए कहता हूँ। जी। इन्हें असिस्टेंट लाइब्रेरी का ऑफिस दिखा दो। जी सर।
आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर लीजिए। इट्स माय प्लेजर सर। आपका दिल्ली में रिहाइश का क्या इंतजाम है? मैं इंतजाम कर लूंगा। हाशिम साहब। अरे मजाज साहब, आप, हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। बताइए कैसे आना हुआ? वो हार्डिंग लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। आइए। वैसे मजाज साहब, आपकी रिहाइश कहाँ है? यही तो एक मसला है। वो पिछली बार तो फेल्डन साहब ने करवा दिया था। कोई मसला नहीं है, और वैसे भी यहाँ काफी कमरे खाली रहते हैं, आप यहीं रुक जाइए। जी। अमानत मियां, आपका सामान वगैरह कहाँ है? वो आज ही आए हम लखनऊ से, तकरारी के बाद सीधा यहीं चले आए, सामान क्लोक रूम में छोड़ा है। अमानत मियां जी, मजाज साहब के लिए रूम तैयार कराइए और इनके रूम में नाश्ता पहुंचाइए, और हाँ, इनका सामान स्टेशन के क्लॉक रूम में, वो भी ले आइए। जी, जाइए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अरे आपका ही घर है, और वैसे भी खुश नसीब तो हम हैं कि आप जैसे शायर का साथ मिला है। सफर कैसा रहा आपका? अभी तक नाराज हो हमसे? हम आपकी बीवी हैं, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है हमारा आपसे। मजाज लखनवी का नाम तो सुना होगा तुमने? हाँ सुना तो है। मेहमान है हमारे मेहमान खाने में ही रुके। बहुत बड़े रोमानी और इनकलाबी शायर है, मौका मिला तो सुनवाएंगे कभी तुम्हें। बीबी जी, आपको देखकर हमें अपनी बहन याद आ जाती है। याद है आपके अब्बा अल्लाह मियां को प्यारे हुए थे, आप जा ना सकी, हमें बहुत गम हुआ। आपके शोहर कैसे हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेरी गरीबी और यतीमी का बहुत फायदा उठाया है उन्होंने। आपकी नजरों में जिनके लिए नफरत भरी है, मेरे दिल में उनके लिए नफरत कूट कूट के भरी है। सच, वो आपके काबिल थे ही नहीं। शनो। एक बात कहूं, तोड़ दीजिए इस पिंजड़े को और चली जाइए कहीं ऐसी जगह जहां आपका कोई कदरदान हो। मुझसे ये हालत आपकी देखी नहीं जाती। तो फिर हमें नए मेहमान से मिला दे। वो जो शायर हैं, आज ही आए हैं मेहमान खाने में। वो शायर साहब, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी चाय देकर आई हूँ और रात को खाना भी देने जाऊंगी, अभी वो आराम कर रहे हैं। हाशिम साहब। मजाज साहब, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं? आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। यहाँ तो बहुत आराम है, चलें।
आइए। अंग्रेजों का वादा था कि दूसरी जंग अजीम में हिंदुस्तानी इनका साथ दें तो वो हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, मगर ये मुस्लिम लीग कहां से आ गई दरमियान में? ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साम्राज्यों की चाल है, उनकी साजिश है, लेकिन यहाँ का समझदार हिंदू और समझदार मुसलमान कभी नहीं लड़ेगा। आप हैं मजाज साहब? आदाब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। भाई आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है, हमारे जुलूसों में भी आपकी शायरी ने बड़ी जान डाली है। आज भी कुछ सुनाएंगे मजाज साहब? जी सुनाने में तुम कभी पीछे नहीं रहते, जरूर सुनाएंगे। भाई महफिल बहुत सुनी लग रही है, आखिर हमारे मोहतरम डॉक्टर अंसारी साहब हैं कहाँ? डैड मेडिकल डेलीगेशन लेके टर्की गए हुए हैं। साहब यहाँ तो महफिल 4 बजे तक चलती रहेगी। अच्छी शायर, आप रूम में जाकर आराम कीजिए। जी बाजू मजाज और शराब इस महफिल में। वादा किया था आपने कभी ना पीने का, फिर भी पी ली। वादा हमने नाजिया से किया था, जब नाजिया ही हमारी ना रही, हम वादा किससे निभाएं? हमसे। हम तो आज भी आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। आपकी शादी तो हो चुकी है। मेरी शादी दौलत से हुई है, हमारा दिल और हमारी रूह आज भी आपकी है। जो निकाह हमने दिल से कबूल नहीं किया वो निकाह नहीं, मरहूम अब्बू की फरमा बरदारी थी। आप हमारे हैं और हमसे इतनी दूर कि हम आपको देख भी नहीं सकते। कैसा है ये अपनापन? हम तो बहुत करीब हैं आपके, जरा देखिए तो आंखें खोलकर। छूकर यकीन कर लीजिए, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। सच कर लीजिए इस ख्वाब को आज रात, क्योंकि हमारी आज की रात आपकी है। इजाजत दीजिए। जी
आए तो नहीं थे हाशिम? बीबी जी, मेरी आंख लग गई थी जरा, लेकिन आपको किसी ने आते देखा तो नहीं ना? नहीं, पीछे के रास्ते से गए थे और वहीं से आए। या अल्लाह, मजाज साहब जाग गए? वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। कल रात में हमारी उनसे बात हुई थी जी, उनके रिहाइश का इंतजाम कहीं और हो गया है। उनका सामान पैक कर दीजिए। जी मालिक। हुजूर, कोई बदरुद्दीन साहब आए हैं शायर साहब के पास। ठीक है, उनको लॉबी में बैठाइए, हम आते हैं। जी। आदाब अर्ज है मिश्रा लगा के। तशरीफ रखिए बदर साहब। दरअसल यूं तो हम नौकर हैं मजाज साहब के, मगर वो फरिश्ता हैं, हमें नौकर नहीं दोस्त समझते हैं। वाकई फरिश्ता है मजाज साहब जी। कुछ रोज से हमारे मेहमान खाने में कायम वजीर थे, आज ही उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कहीं और हो गया है, अपना सामान बंधवा कर गए। अच्छा हुआ कि आप आ गए जी। मैं तांगा मंगवा देता हूं, आप उनका सामान लेकर जाइए। जी। बुला लाओ। आदाब अर्ज है। आइए बदर मियां, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखेंगे तो वो सामान लेकर चंपत हो जाएगा। कौन भाई? तांगे वाला। जब सामान समेट आए हैं तो अंसारी साहब की कोठी पे चले जाते? वहीं तशरीफ ले गए थे पहले। हाशिम साहब ने बताया कि आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया किसी और जगह, सामान आपका बंधा रखा था हमारे साथ कर दिया उन्होंने। अब आप हमें जल्दी से चाबी दीजिए और बताइए कहाँ ले जाए सामान मिश्रा लगा के। मजाज साहब को सलाम बोलो। वो तो अभी ऑफिस से गए हैं सर, कह रहे थे तबीयत खराब है। वेरी बैड जी। मजाज ने अपने इश्क की नाकामी, जमाने की सितम जरीफी के गम की आग को बुझाने के लिए तलखिये बदनाम यानी शराब का सहारा लिया और जिंदगी शराब के प्यालों में गर्क होकर रह गई। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं। हमें मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। हमें मालकिन से मिलना है। बाहर जाइए। झूठ बोल रहे हो तुम, अंदर आओ। धक्के मार के बाहर निकाल दो इसको। बोझ बन गया है दिमाग पर, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है मुस्तकबिल में हमारी इज्जत के लिए। हमारी लीडरशिप कहीं खाब ही ना रह जाए पार्टी में। आप परेशान मत होइए डैड, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम इसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि किसी के लिए भी खतरा नहीं रहेगा। सड़कों पे आवारा फिरूं,
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, शहर और मैं ना शाद ना करा फिरूं। जुगल! अम्मा क्या, क्या हुआ? खबर आया था मुझे, जुगल को देखा बहुत परेशान है, जैसे कि किसी मुसीबत में फंसा हो। अम्मा अम्मा करके पुकारा था मुझे, या अल्लाह शाम की पोस्ट से बदरुद्दीन का खत आया है, सारा पढ़ के तो सुनाना बेटा। जी अम्मी। अम्मी सिराज साहब, अस्सलाम अलैकुम। अहवाल ये है कि असरार साहब कई दिनों से गायब हैं, ना ऑफिस जा रहे हैं ना घर आते हैं। मैं जगह जगह पूछता फिर रहा हूँ, कभी कभी अंसारी साहब की कोठी के इर्द गिर्द नजर आ जाते हैं। मैं सख्त परेशान हूँ, बिल्कुल पागलों जैसी कैफियत हो गई है उनकी। या अल्लाह कहाँ गए भैया? अरे ये इंसान कब से पड़ा है यहाँ पर? पता नहीं, हम भी अभी आए हैं। अच्छा, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। अरे अरे ये तो वही है जो जोश साहब के साथ हमारे कोठे पे आए थे। किसी शरीफ घराने का मालूम होता है। क्या कह रहे थे डॉक्टर? चोट कहीं नहीं आई है, बस का धक्का लगने से गिर गए थे, मगर भूखे हैं पता नहीं कब से। या अल्लाह, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अब कहाँ खबर भेजें इनके लिए। जोश साहब के साथ आए थे पहली बार। हाँ? पता करूंगी मैं, जोश साहब के जरिए जरूर कुछ मालूम हो सकेगा। कैसे तबीयत है आपकी? हाँ? नाजिया गिर पड़े थे आप, बेहोश हो गए थे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। कितने भूखे हैं मोहब्बत के, किस नाजिया को चाहते हैं। कितने खुश नसीब हूं मैं, इन्होंने हमें नाजिया समझा, अपनी महबूबा। जोश साहब को एक पब्लिशर से फोन करवा दिया था, उन्होंने बताया कि हार्डिंग लाइब्रेरी में नौकर हो गए थे, दरियागंज के मशहूर आदमी अंसारी साहब के यहाँ ही मुकीम थे। मैं अंसारी साहब के यहाँ गई तो वहाँ मालूम हुआ कि मजाज पागल हो गए हैं, सड़क पे भटकते फिरते हैं। उनके कोई दोस्त बदरुद्दीन है तो उन्हें खबर कर दी जाएगी। बदरुद्दीन? मजाज के दोस्त? कहीं बदरुद्दीन नकली मजाज तो नहीं?
क्या बात है, आज तो बड़ा निखार है। अरे मीना भाई, क्या यहीं रहती हैं? जी हाँ यहीं रहती हैं, लेकिन आपके तारीफ? मैं बद्रुद्दीन। अच्छा, तो आप ही नकली मजाज हैं? हाँ भाई, मैं ही नकली मजाज हूँ। मीना भाई मुझे अच्छी तरह जानती है, मिश्रा लगा के। क्या लगा के? मिश्रा लगा के। जाइए जाइए, ऊपर जाइए। आ जाइए बदर साहब, अंसारी साहब के यहाँ से खबर मिली होगी। जी। क्या हालत बना रखी है आपने अपनी मालिक। चलिए मालिक, इधर से चलिए मालिक, आराम से। भैया, भैया बीमार हैं, चलिए अंदर चलिए। हाँ। मेरे लाल, मेरे बच्चे तुम आ गए। बैठो बिस्तर पे। जगन भैया, अब आप अपने घर आ गए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए मालिक। मिश्रा लगा के मेरे बच्चे। जगन भैया, जगन भैया, तुम दोनों कब आए? हमेशा आप आते थे अब्बू के पास, आज हम खुद चलकर आपके पास आए हैं। अब्बू आप कहाँ थे? हम अपने बेटे से कभी दूर नहीं रहे। सफिया, जरा डॉक्टर साहब को तो बुलाना। जी अम्मा। बहुत बड़े बड़े दिमागी झटके लगे हैं, पागल नहीं है, ज़हनी इंतिशार के शिकार हैं। कुछ दिन यहाँ रहेंगे, सबका प्यार मिलेगा, कुछ ही दिनों में पहले की तरह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे कौन मार डालेगा? कौन मार डालेगा बेटा? अच्छा तुम आओ, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, मैं हूं ना, मैं हूं ना। क्या देख रहे हैं मजाज साहब, आपको थोड़ा बुखार हो गया था, अब ठीक है, थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। अब आप चाय पी लीजिए, फिर थोड़ा खाना खा के आराम कीजिए, ठीक है? एक मिनट जरा। इनकी दिमागी हालत बेहद नाजुक है, इनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी जाहिर होती है, जिसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और इन्हें फौरन इलाज की जरूरत है। इसके लिए इन्हें जल्द रांची के असाइलम में भेजना होगा। वहां डॉक्टर डेविस से मिल लीजिएगा। मिस्टर मजाज, हाउ आर यू फीलिंग नाउ?
I think you are recovering every day. नर्स, अब इन्हें नींद की गोली देने की जरूरत नहीं है. एंटी डिप्रेशन जारी रखना. ओके सर. किसे याद करके गुनगुना रहे हैं आप, हमें भी तो सुनाइए. Thank you.
जिंदगी को जिंदगी कर दिखाने की ये लगन मजाज को न जाने किन किन खारजार वादियों में ले गई। मजाज पर कर्ब इंतशार, आवारगी और जुनून की मंजिलें आईं, लेकिन किसी मुकाम पर उन्होंने सिपर नहीं डाली। कहाँ जा रहे हो बेटा? जी अम्मा, वो मुझे एक पब्लिशिंग हाउस से मुलाजमत की उम्मीद है, बस वहीं जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अखबार या रिसाले की अदारत दिमाग का काम है। मजाज साहब, आपकी बीमारी की खबरें अखबारात और रिसालों में भी आ चुकी है। अगर हमारे अखबार या रिसाले में बतौर एडिटर आपका नाम जाएगा तो इसका रद्द अमल क्या होगा? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, फरोख्त में कई गुना इजाफा होगा। सही उद्दिमाग लोग ये सोचकर खरीदेंगे कि देखें एक पागल ने रिसाले अखबार का तजिया कैसे किया है। और पागल खाने में तो खूब बिकेगा आपका, इतना बिकेगा आपको लखनऊ की तमाम प्रेसों पे पुलिस बिठानी पड़ जाएगी ऑर्डर पूरे करने के लिए। मैं माफी चाहूंगा मजाज साहब, आपका जज्बा काबिल तारीफ है, मगर मैं अपने पब्लिशिंग हाउस के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। जी हाँ, 5 फीट 10 इंच का खतरा एक 4.5 फीट के पब्लिशर को लेना भी नहीं चाहिए। कमजोरी और फिक्रमंदी से बहुत परेशान है बेटा। तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि तुम्हें एक अच्छी सी मुलाजमत मिल जाए और वो तुम्हारा चेहरा देख सके। के जो रंग महल वो तामीर करना चाहते थे वो जमीन पर आ गिरे और इस रंग महल में उम्मीदों के चिराग फरोजा किए, वो इस तरह बुझे कि फिर कभी ना जल सके। कहां मिलेंगे मजाज साहब? पता नहीं, सुनाइए मजाज साहब, आप क्या कह रहे थे? शराब खाना है ये, इबादत खाना नहीं। अगर तुम लोगों को शराब पीने से सुकून नहीं मिलता मत पिया करो, इबादत करो। शराब नकली नशा है, इबादत असली नशा। मजाज साहब, खून ये रख लीजिए।
मालिक, मालिक क्या क्या हो गया मालिक? आईसीयू वार्ड में पहुंचा दीजिए। जगन भैया को कैसे हैं? जगन भैया आप लोग गहरी निगहदस्त वाले वार्ड में चलिए, हमें कुछ दवाएं लेनी है। ये तो मजाज लखनवी के वालिद और भाई हैं। अपने अखबार का जमीमा निकाल दीजिए, इस मौके पर हजारों कॉपियां हाथों हाथ बिक जाएंगी। जी हाँ, किसी और अखबार वालों को ये खबर नहीं लगी कि मशहूर शायर इसरारुल हक मजाज अब बिस्तरे मर्ग पर अपनी उम्र की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। नाजिया, 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 जी, बीबी जी कहाँ गईं? मालूम नहीं मालिक, अभी थोड़ी देर पहले तो सो रही थी। हमें मालूम है कि वो कहाँ गईं। ड्राइवर को बोलिए कि फौरन मोटर निकाले, हमें स्टेशन जाना है। आ गए आप, अच्छा हुआ। वो कैसे हैं? शायद आप में ही सांस अटकी हुई है। चलिए के घर वाले हैं, उन्हें अंदर बुला लीजिए, अब उम्मीद बहुत कम है।
आप लोग अंदर जा सकते हैं। बात कर लीजिए मरीज से। अम्मी, अब्बू, अब हम अच्छे हो रहे हैं। हम आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बहनों का अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे। हाँ भैया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नाजिया भी आ गई है, वही अब अबू अम्मा की बहू बनेंगी। इश्क एक मुकद्दस जुनून है। दुनिया वाले इस राज को नहीं समझते। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत पागल जमाने की गर्दिशों ने मजाज बना दिया। अल्लाह 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 हमें माफ करे। फिक्र माश इश्क बता यादें रफ्तगा इस मुख्तसर सी जिंदगी में क्या क्या करे कोई। जिंदगी सांस दे रही है मुझे, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। भैया नहीं भैया। मिजाज साहब मरहूम की रूह को सुकून मिल जाएगा। शाम का अंधेरा बढ़ रहा है,
अब घर लौट चलो नाजो। नाजो वक्त की सही मुसलसल कारगर होती गई, जिंदगी लहजा बलहजा मुख्तसर होती गई, सांस के पर्दों में बचता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेवे भेजी है, इस बज़्म में सागर तोड़े है, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्रिया, हर शब है शबे शीराज़िया, है सारे जहां का सोज़िया और सारे जहां का साज़िया। सर्रात का बोसा लेने को आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है कातिल की शिकस्ते पाश यहाँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, सुंबुल हूँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल। जो अख्त यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर झूले रवा पर बरसेगा, हर कोहे करा पर बरसेगा, हर सरो समन पर बरसेगा, हर दस्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, पैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर फसल तरफ पर गड़केगा। ये अब्रह